नहीं बिल्कुल, देखिए आशीष, मुझे लग रहा है कि इन्होंने कंपनी अच्छी चुनी है और बैंगलोर मार्केट में ये काफी वेल एस्टेब्लिश प्लेयर है। इनके काफी वेल डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट है, तो मुझे लग रहा है कि देखिए अगर हम अगले 6, 8 या 12 महीने की बात करें तो जिस प्रकार की इनकी ऑर्डर बुक है, जिस प्रकार का इन्वेंट्री सेल हो रहा है, मुझे नहीं लगता है बैंगलोर मार्केट में कोई दिक्कत दिख रही है। मुझे लग रहा है कि जनवरी टू मार्च का क्वार्टर भी काफी स्ट्रांग आएगा और मैनेजमेंट की कमेंट्री ने ये क्लियर किया है कि कोई भी दबाव मार्केट के प्राइसेस में नहीं है, इन्वेंट्रीज बहुत अच्छी तरह से बिक रही है। तो मेरे ख्याल से देखिए अगर ये 8 से 12 महीने इन्वेस्ट करती है तो मुझे लगता है कि अगले साल तक कम से कम 275-280 कंफर्टेबली आना चाहिए। हालांकि देखिए इन्होंने थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे स्टॉक लिया है, बट क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट और बिजनेस बहुत स्ट्रांग है। तो आई वुड से यहाँ पे होल्ड करिए, 10 रुपए नीचे गए बिल्कुल फिक्र मत करिए, यहाँ पे होल्ड करके अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको अगले 12 महीने में मिल सकता है। तो देखिए इन्होंने कंपनी तो आशीष बहुत अच्छी चुनी है और पेंट सेक्टर में हमारा मानना है कि क्रूड ऑयल के कीमतें अगर नरम रहती है तो इनका प्रॉफिटेबिलिटी का जो ट्रैक्शन है वो बहुत दमदार आएगा। मेरे ख्याल से देखिए इनका लॉन्ग टर्म नजरिया है तो थोड़ा सा एवरेज भी ये कर सकती है, क्योंकि शेयर काफी बुरी तरह से पिटा है, इन्होंने ऊपर के लेवल में लिया है। थोड़ा सा ये एवरेज करके अगर 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम आप यहाँ पे इन्वेस्टेड रहते हैं तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। कंपनी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, रॉ मटेरियल के कॉस्ट जो क्रूड ऑयल रिलेटेड है वो अभी कम हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका बेनिफिट कंपनी को मिलेगा। लेकिन अगर आपको पैसा बनाना है तो थोड़ा सा एवरेज कर लीजिए और 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम लेके इसमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए ये एक ऐसा बिजनेस है जो हम मोनोपोली बिजनेस ही समझते हैं, क्योंकि देखिए आज एयरलाइंस का जो प्ले है वो एयरपोर्ट है, और जिस प्रकार से अभी इनके एयरपोर्ट्स कंट्री वाइड है, मुझे लगता है कि देखिए कोई भी नया कॉम्पिटिटर तो ये फील्ड में आएगा नहीं। अगले 1.5-2 साल का ही टाइम फ्रेम यहाँ पे रखिए, क्योंकि देखिए अभी आप अर्निंग्स देखोगे, बैलेंस शीट देखोगे तो वहां पे कोई आपको इतना बड़ा ट्रिगर नहीं दिखाई देगा, लेकिन बिजनेस मॉडल इनका ऐसा है कि नया खिलाड़ी कोई आ नहीं सकता और अपॉर्चुनिटी अगले 3, 5, 10 साल के लिए इंडिया में बहुत बड़ी है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे निवेशित रहिए, अगले 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम आपके टाइम फ्रेम पर रखना चाहिए, आपको बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। यहाँ पे टारगेट प्राइस देना मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली मल्टीपल गेन्स आपको मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। नियर टर्म से तो अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट तो क्रूड ऑयल का प्राइस है, अभी भी काफी नरम है। इन्होंने ये FNO का ऑप्शन का कॉल लिया है। मेरे ख्याल से अगर ये इस एक्सपायरी में नहीं बट आगे अगले एक्सपायरी में ये रोल ओवर करती है तो हो सकता है कि आपको अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। देखिए मार्केट के सेंटिमेंट के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस एडजस्ट करना है। मैं कोई टेक्निकल एनालिस्ट हूँ नहीं, बट मैं आपको यही कहूंगा कि आपके स्टॉप लॉस प्रॉपरली फॉलो करिए, उसी से आपको FNO में प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी, अदरवाइज आपको नुकसान हो सकता है। तो स्टॉप लॉस टाइट रखिए, स्टॉप लॉस अगर आपका मेंटेन होता है तो ही उसको एक्सटेंड कर लीजिए आने वाले FNO एक्सपायरी में, बट डेफिनेटली फ्रॉम पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा समय अगर आप देंगे तो इसमें बाउंस बैक अच्छा मिल सकता है।